जो बजट आया है बिहार के लिए और पूरे देश के लिए, ये कुर्सी बचाने के लिए आंध्र प्रदेश में और बिहार के लिया है, कुर्सी बचाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी अपना कुर्सी बचाने के लिए दो राज्य के लिए और सब राज्य छोड़ दिए, पूरा देश छोड़ दिए। यही तो पॉकेट मिला है, पॉकेट से क्या होगा। जब जब नीतीश कुमार जी विशेष राज्य के दर्जा मांगे थे, पॉकेट देने से क्या होगा। बिहार गरीब राज्य है, गरीबों यहाँ ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है। यहाँ कौन सी है, कल न कारखाना न फैक्ट्री है, यहाँ बालू और पानी है, और क्या है। यहाँ कल कारखाना लगाना चाहिए, यहाँ बिहार में लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, किसानों को मिलना चाहिए, मजदूरी मिलना चाहिए। पुल गिर रहा, पुल बन रहा, पुल गिर रहा, जिसों को पुल गिर गया, कैसा ही काम हो रहा है, कौन ठेकेदार बना रहा है, कब टेंडर हुआ, जर लोग नहीं पकड़ रहा है, पुलिस पकड़ रहा है, कब ये टेंडर हुआ, किसके समय टेंडर हुआ, कौन बनवाया, ये सब आप लोग का पूछना चाहिए। तो आप लोग तो पूछते नहीं है, खाली सीधे लालू यादव तेजस्वी के नाम लेते हैं। चलिए ठीक है, हो गया। नीतीश जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, हुआ है। हाँ तो उनके लिए अच्छा है, कुर्सी बचाने के लिए अच्छा है। पुराने प्रदेश को पूरा देश के लोग के, पूरा बिहार के लोग का ठगने का काम मिला है, लोग समझ रहा है। जो पैसा नहीं देते हैं, इंदिरा आवास बनाने के लिए कटौती कर दिए, वृद्धा पेंशन मिलने के लिए कटौती, सब में कटौती किया, दाम क्यों नहीं घटा रहे हैं। महंगाई इतना है, उसको कम करना चाहिए ना, इस पर कुछ नहीं बोला है। और दाम बढ़ा है ना मैम, लालू जी की तबीयत भी कल अचानक खराब हो गई, चाहिए महंगाई को हटाना चाहिए। लालू जी की कल अचानक लालू जी की तबीयत भी खराब हो गई, खबर आई आज कराने गए ठीक है, जांच हुआ ठीक, अभी ठीक है।